चलें जी ब्लॉग शुरू करते हैं। क्या बनाऊं साउंड क्यों बंदे बंदे ऐड करा है कौन कौन तू जाके काट जो गए चलें जी। अब हम ट्रेविन का ना अकाउंट के जो मैंने बनाई थी अलायंस, अब उनके जो फाउंडर है ना मैं बना रहा हूँ आप साहब को एम जी इस पे खोल के कर लूँ। तो चलें जी अब मैं रबे के लैपटॉप पे खोल के कर रहा हूँ सारा काम, तो वेट करें। हाँ जी, तो हमने मेरा अकाउंट खोल लिया है। फाउंडर पे क्लिक करो, फाउंडर पे लाइन फाउंडर। अच्छा ये क्या है? टैग और नेम चेंज कर रहे हैं ना इसका। तो टैग रखे लाइंस का रिपीटर एक्स। तो बंदों मैं ना आपको बता रहा हूँ कि मैंने ना क्या कह रहे हैं एक सेकंड, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ना उगा रहा हूँ वीट ग्रास। मैं भी तजर्बा ही कर रहा हूँ वीट ग्रास का। एक मिनट, वीट ग्रास आपको बाहर निकाल के दिखा दूँ और किसी जगह पर रख दूँ ताकि ज़रा इंप्रेशन अच्छा जाए। हाँ भाई, बंदे के पास जगह दिखाने दिखाने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये असल में मेरी वीट ग्रास है, ये उग रही है, ठीक है। ये सारे के सारे वीट के दाने हैं और नीचे पानी है जो मैं हर दिन में 4 दफ़ा निकाल के इसमें डाल देता हूँ और फिर ये ऑटोमेटिकली ड्रेन हो जाते हैं। नीचे मैंने सुराख किए हुए हैं और यहाँ पर मैंने टेप लगाई थी, ये देख सकते हैं आप लोग। एक सेकंड, ये देखिए आप, ये मैंने टेप लगाई थी ज़रा इसको ज़रा ऊपर रखने के लिए, सपोर्ट देने के लिए। देखिए ऐसे ऐसे इसके ऊपर मैं रख देता हूँ। जुगाड़े बन जुगाड़ किया था मैंने, मेरे पास कोई सामान समान से पड़ा नहीं, हो सकता कोई जाली जुली टैप। तो यही आप देख सकते हैं, इसके ना हल्की हल्की शूट्स निकल आई हुई हैं इन दानों की, और 4 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर ये उगाती हैं। और ये वाला जो दाना मुझे नज़र आया, ये दाना उगना शुरू हो गया 110%। ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये लोग 4 दिनों में इतने इतने ऊपर उगाएंगी, तकरीबन इतने इतने ऊपर। तो आज पहला दिन नहीं है, नो बंडर्स नहीं, बल्कि पहला दिन ख़त्म हो गया, दूसरे दिन का शुरू हुआ है बिल्कुल। क्योंकि 3:30 पे मैंने ये डाला था, यानी कि सारा प्रोसेस शुरू किया था 2:30 पे इसमें डाला था, और तभी आज 3:30 से टाइम ऊपर हो गया हुआ है। तो इसको करने का आपको क्या चाहिए, इसको करने के लिए अपना जितनी मर्ज़ी हसबे ज़रूरत अपने वीट ले लेनी है। तो मैं बताता हूँ मैंने कितनी ली थी। मैंने ना 25% ऑफ कप ली थी मैंने, और इस 25% ऑफ अ कप के अंदर ना मैंने डाल दी वीट, और 25% ऑफ वीट कप ऑफ वीट के अंदर ना मैंने फिल कर दिया उसको, मैंने फिलअप, और फिलअप करने के बाद मैंने उसके अंदर ना 2 कतरे ब्लीच के डाल दिए और अच्छी तरह मिक्स कर देना है। वाटर को पहले अच्छी तरह ब्लीच के मिक्स कर लें और अंदर वीट डाल दें। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि ना असल में जो होता है ना आपकी जो वीट है ये ना आज़ाद भाई से मैंने लिया था, इसकी ये देखा था उनके मैंने वीडियो पे, तो मैंने कहा चलो करके देखते हैं, कल पंगा पुंगा ले लेते हैं। तो आज़ाद भाई ने भी
इंस्टाग्राम से लिया था मैंने मेजरिंग, मेरे पास कोई थी नहीं तो मैंने इंस्ट्रूमेंट नहीं था मेजरिंग, तो मैंने बस ये ले लिया 25% ऑफ अ कप। एंड घरेलू कप लिया मैंने जो घर में कप होते हैं वही वाला। और इसमें होता क्या है, इसमें ना फिर आपने 12 घंटे के लिए वीट को, यानी कि गंदम को ना, गंदम के दानों को ब्लीच में भिगोए, 2 कतरे ब्लीच और 1 कप पानी अच्छी तरह मिक्स कर लें, 25% ऑफ अ कप अंदर डाल दें, उसको 12 घंटे तक रख दें। 12 घंटे के बाद आपने ना इस तरह कोई जुगाड़ू काम कर लें, नहीं तो फिर एक नीचे कंटेनर ले लें, उसके बाद जाली जुली रख लें और उसके ऊपर ये डाल दें, आप रख दें किसी ना प्लास्टिक के बर्तन में, और ताकि नीचे ना, और छेद कर दें जिस बर्तन में आपने रखना है, ताकि जो पानी है ना वो ड्रेन आउट हो जाए, पानी अंदर रहना नहीं चाहिए, बस ये गीला गीला रहना चाहिए। हर दिन में चार दफ़ा आपने इसे पानी देना है, और दिन में चार दफ़ा आपने इसे पानी देना है, और 20 मिनट तकरीबन आप पानी देंगे। और मैं तो उसे मैनुअली देता हूँ, अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे पूसे पड़े हुए हैं, कोई मूला मूला चूला है तो आप एक 150 रुपये की मोटर लेकर आएँ, वो उसको नीचे वाले कंटेनर को आप पानी से भर दें, मोटर अंदर रखें और यहाँ पे पाइप लगा दें, और एक डायलर होता है स्विच डायलर होता है वो स्विच डायलर आप यहाँ पे रखें, मोटर का एक सेकेंड यहाँ पे रखें, मोटर का स्विच आप अंदर लगा दें, और मोटर का स्विच लगाने के बाद वो डायलर होता है उसको घुमा, अगर आप 4 दफ़ा सेट कर दें रोज़ाना दिन के, तो आपको 4 दफ़ा ये पानी देता रहेगा। और बस यही है, रोशनी मिले से तो ये येलो पड़ते हैं, रोशनी मिल जाए तो ये ग्रीन पड़ता है। 4 दिन लगते हैं, और ये जानवरों के खाने के लिए, भाई इंसान थोड़ी खाएगा घास, क्या हो गया आपको, उसके जानवरों के खाने के लिए बेस्ट है, क्योंकि गंदम का थोड़ी हुई देखे ना, क्योंकि गंदम ना आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है हर जगह पे, रोटी खानी है गंदम वगैरह वगैरह, तो ना गंदम का खपत पड़ी हुई है ना, तो आप तकरीबन बहुत आराम से इसको ना स्टार्ट कर सकते हैं। और वैसे भी ना बहुत सस्ती गंदम आपको ना 50-60 रुपये की तकरीबन एक आधी किलो मिल जाएगी, वो ले आएँ और वो उसको अपना ट्रे में शुरू कर लें। आज़ाद भाई की वीडियो देखें, अगर आपने जानना है कि आज़ाद भाई ने बिज़नेस अपनी फैक्ट्री शुरू की थी, कैसे की थी वगैरह वगैरह, क्या क्या सामान आते हैं अभी आपको बताते हैं कि हाउ टू बी अ मिलियनेयर, मैं भी उनकी वीडियो देखता हूँ, इज़ अ अमेजिंग पर्सन। एंड थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।